नमस्कार दोस्तों, एवन के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। चलिए बात करते हैं इस वीडियो की। आशीष गुप्ता जी बहुत दिन से ये बात कर रहे थे कि इनके पास P.Audio का 18 इंच मॉडल एक C18-650EL, इसमें वो कितने वाट की एम्पलीफायर लगेगा, सीधी सी बात है। तो चलिए बात करते हैं। और इसमें भी हम लोग यही मॉडल है P8, ये वाला आपकी P18 इंच का लाउड स्पीकर है। तो चलिए बात करते हैं इस P.Audio की। P.Audio बहुत अच्छा रहता है बेस में, ट्रिबल बेस के लिए बहुत अच्छा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड RCF के बाद अगर कोई आएगा तो ये P.Audio ही है। अच्छा क्वालिटी के आते हैं इसकी, जो बेस के लिए चाहे टॉप के लिए जो भी है, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आते हैं इसकी। तो चलिए बात करते हैं इसकी और इसके साथ कौन सी लगेगी एम्पलीफायर। तो P.Audio की ये वाला जो आपको जो मॉडल इन्होंने बताया है कि C18-650EL, तो C18-650EL जो आप देख सकते हैं, ये वाला आपकी स्पीकर है, आप देख सकते हैं 1200 वाट की पावर रेटिंग है, AES में है। तो AES से कन्वर्सन अगर करेंगे हम लोग, मैं एक वीडियो बनाया था, आप अगर चाहे तो देख सकते हैं वो वीडियो, एक रॉप कैलकुलेशन है, ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। क्योंकि इन्होंने बताया है कि कमेंट में कि इनके पास डुअल बेस दो पीस चलाना है इनको, मतलब डुअल बेस मतलब दो पीस 48 वाट, मतलब इनका एक पे दो स्पीकर है और दूसरे में दो स्पीकर, यानी चार स्पीकर इनका है। तो एक स्पीकर 1200 वाट की इन्होंने हिसाब लगाया और 4800 वाट बोला, ठीक है। AES में 4800 वाट होता है चार स्पीकर के। अगर हम बात करते हैं इसकी RMS में, जो हमारा आराम से जिसमें चल सकता है वो कितना होगा, तो मैं कैलकुलेटर ऑन करता हूँ, थोड़ा देख लेते हैं। 4800 वाट अगर आप इसको 1.3 से एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू में बता रहा हूँ, ये आपकी 3600 बैरू 3700 वाट की करीबन आपको पावर चाहिए होगा इसको चलाने के लिए चार। अब आपको लगाना कैसे है, चार मतलब एक ऐसा पावर ट्रांसफार्मर पावर एम्पलीफायर लेना है जिसमें दो चैनल होगा, डुअल चैनल। एक चैनल पे आपको लगाना है 2400, दूसरे में 2400। अब हमारे हिसाब से हमको चाहिए अभी कितना हुआ हम लोग का, ज़्यादा से ज़्यादा 3700 वाट हुआ, 3600 1800 1800, है ना। तो ऐसा कोई एम्पलीफायर है जिसमें हम लोग को 1800 1800 मिल जाता है या 1900 1900 मिल जाता है, तो आराम से ये चल सकता है। और 4 ओम पे, क्योंकि 8 ओम का ये एक स्पीकर 8 ओम का है, ये डुअल कर दिया मतलब पैरेलल करेंगे 4 ओम, तो 4 ओम का दो आपको ऐसे सेट मिल गया। चलिए बात करते हैं तो P.Audio की, उसी में ही चलते हैं। अगर P.Audio का आप ले रहे हैं तो P.Audio का ही सीरीज़ क्यों ना लें, HD सीरीज़ प्लस आप लीजिए P.Audio का। तो इसको देख लेते हैं P.Audio में कौन सी मॉडल पे, यहाँ पे बहुत सारे 30 है, 40 है, 60 है, 80 है, कौन सी मॉडल पे 4 ओम का हम देखेंगे। 4 ओम पे देखिए, यहाँ पे 1650 वाट इंटू 2, जो कि आप देख सकते हैं पूरा परफेक्ट है इसके लिए, बिल्कुल ही परफेक्ट है। क्योंकि देखिए 1650 वाट इंटू 2, हमको इतना ही 3700 वाट ही तो चाहिए। तो HD 60 प्लस आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको और भी चाहिए थोड़ा और पंच, तो ये वाला आप HD 80 प्लस ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एक दिक्कत है, आप ओवर पावर्ड एम्पलीफायर ले रहे हैं, मतलब आप कंट्रोल करना आपको पड़ेगा आपकी मास्टर को, क्योंकि आप कम से कम यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा बहुत ज़्यादा आप ले रहे हैं, मतलब 1700, यहाँ से 300 500 वाट ज़्यादा दे रहे हैं, मतलब आपको 60% पे ही आपको मास्टर रखना है और क्लिप नहीं जाना है। याद रखिए हमेशा आप मास्टर देखिए, क्लिप देखिए, तब आपके सिस्टम बहुत ही अच्छा चलेगा। तो आपके लिए मैं रिकमेंड करूँगा HD 60 प्लस इज बेस्ट, और उसके बाद अगर उससे आगे आप जा सकते हैं HD 80 प्लस में तो अच्छा है। अगर आपको और भी ज़्यादा पंच की ज़रूरत है, इसमें आपको 0.0 पंच आएगी, इसमें आपको और ज़्यादा पंच आएगी, लेकिन आपकी रिस्क फैक्टर भी रहता है, इसलिए सबसे अच्छा रहेगा आप HD 60 प्लस या HD 80 प्लस, ये दोनों में कोई एक ले सकते हैं। और बाकी रहा, बहुत सारे मॉडल ऐसे हैं, आप देख सकते हैं पूरी मॉडल जितनी आप देख, ये वाला वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो हो सकता है इनको सवाल का जवाब मिल गया होगा, HD 60 प्लस ले लीजिए, आराम से आपका काम बन जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत, धन्यवाद।